हम उसमें जंगल क्या बोल रहे बोल और काफी खूबसूरत जंगल, आप लोग भी एंजॉय करिए इस जंगल को देखकर। दोस्तों और हम चलते हैं, हम लोग आगे पार्क है उससे चलने ही वाले हैं और आप लोगों को हम दिखाएंगे पार्क में जो भी जानवर होंगे, कुछ भी होगा, जो भी मिलेगा वो दिखाएंगे बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारे और मान लीजिए दोस्तों कोरोना का काल चल रहा है जिसके कारण हमको लग रहा है दोस्तों यही लोग पार्क रिटर्न जा रहे हैं, हमको लग रहा है कोरोना की वजह से सभी लोग बंद कर दिया गया है और ये जरूरी भी था लोगों के लिए। पार्टी पार्टी किए हैं यहाँ पे, और इसमें बहुत से जानवर रहते हैं दोस्तों, लेकिन सबको हटा दिया गया है। लेकिन कुछ हम आपको पार्क के बाहर से दिखाना चाहते हैं, इस माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ पंछी हैं, उन पंछियों को देखिए आप पहचानिए। और ये सब पैरेट है, सब तोता, ये तोता पंछी हैं सब, और ये काफ़ी दिन से सील किया गया है। ऐसा नहीं है कि इनको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ दिया जा रहा होगा, जब बंद हैं सब तो कुछ ना कुछ तो दिया जा रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें बहुत आनंद आता था जब हम लोग आते थे इधर घूमने के लिए, आज हम लोग बहुत दिन के बाद आए हैं लेकिन इसे बंद कर दिया गया है कोरोना की वजह से। चलिए और भी हम देखते हैं, कहीं कुछ मिलता है तो ज़रूर दिखाएंगे, आप लोग हमारी वीडियो के साथ बने रहें। इधर घूमने में बहुत आनंद आता है और इस जंगल में केवल सेखुए का ही लकड़ी पाया जाएगा, कैसे इसमें सेखुआ ही सबसे अधिक है, 99% इसमें सेखुआ है। अब अदरवाइज छोटे मोटे पेड़ हैं जो कि देखने झाड़ियाँ उड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, नहीं तो ये इस जंगल में बहुत सेखुआ और सागवान। और इधर हमको लगता है देख रेख करने वाले घर भी हैं इधर इस रोड से, इधर नहीं जाना चाहिए हमें, वर्जित है। और ये जंगल एकदम सुनसान जंगल, बहुत बड़ा जंगल है, ये गोरखपुर जंगल है, ये गोरखपुर से स्टार्ट होता है और नेपाल के बॉर्डर तक ये जंगल है, और केवल आपको इसी तरह जंगल मिलेगा। और आगे चलकर इससे भी बहुत घना जंगल है, अभी तो इधर बहुत पेड़ पालो सब कट गए हैं सब। और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, आगे देखते हैं कहीं घूमने जाने के लिए आगे है तो जाएंगे और आपको हम लोग बताएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं जंगल में खाली दो जहाँ पे इंसानों की बस्ती है, उस बस्ती में हम लोग घूम रहे हैं। आप लोग भी आइए और घूमिए और जानवरों से आपकी मुलाकात कराते हैं। और देखिए हम लोग आते आते हमको एक जानवर मिला जिसके बारे में आइए आपको दिखाते हैं बताते हैं। और ये हिरन का बच्चा लग रहा है, ये हिरन नहीं है हिरनी है, ये हिरनी है दोस्तों। देखिए कितने चैन से हैं ये लोग, और भी हैं इससे अच्छे अच्छे, अभी हम लोग आपको गुरु कराते हैं। और देखिए यहीं से दिखाई दे रहे हैं कुछ हिरन वहाँ पे, चलते हैं वहाँ पर आप लोगों को बताते हैं मिलते हैं, आप लोग भी देखिए, तब तक के लिए रुके रहिए आप। ये यह हिरन है दोस्तों, इसको हम आपको बहुत करीब से मिलाएंगे। और ये बहुत दिनों से रहते हैं सब इसमें, काफ़ी पुराना जंगल है और ये लोग भी बहुत पुराने हैं। और ये हमको लग रहा है कि सो रहा है, बहुत पास से आपको दिखाएंगे हम इसके बारे में दिखाएंगे और बताएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप भी देख लीजिए। और ये बच्चे हैं सब, ये काफ़ी बिग काफ़ी बड़ा, ये दोस्तों आप लोगों को मिलाते हैं आगे बढ़ते हुए। देखिए यहाँ पे कुछ हिरन दिखाई दे रहे हैं और बहुत से यहाँ पे भाई हैं लोग, देखिए फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं सब। देखिए कितना आनंद से यह बैठा हुआ है और सो रहा है ये हिरन, और भाई लोग उसके सामने होकर फोटो वोटो खींच रहे हैं। और
दोस्तों मेरा अनुरोध है, भाई लोग जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मास्क का प्रयोग जरूर करें, बगैर मास्क के इधर ना रहें। दोस्तों ये बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है आपको, हम दिखाते हैं करीब से, अभी इस बच्चे को देखिएगा, बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों, ये देखिए भग रहा है। इंसानों को जब कुछ खाने के लिए जब देंगे अपने पास से, तब ये आपके पास आएंगे, उतना ही करीब आएंगे ये, और जब इनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो ये दूर भाग जाएंगे। सबको लालच होता है दोस्तों, और इसको हम भी थोड़ा पास से आपको दिखाना चाहते हैं, इसके चेहरे को आप देखिए। नहीं आ रहा है, चलते हैं पास में, थोड़ा सा आप लोग रुके रहें, देखिए आप अच्छे से देखिए। अब इसके पास में हम आए हैं दोस्तों, देखिए कैसे सो रहा है, ये इसका सिंह है, बहुत काफ़ी करीब से इसका सिंह देखिए, बहुत निकला है दोस्तों। एक बार अगर किसी को इस सिंह से चोट लग गई तो घायल होना है, काफ़ी खतरनाक, काफ़ी सिंह बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसका चेहरा देखिए, बहुत करीब से हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी बड़ा हिरन है दोस्तों, बहुत पुराना है, हमको लगता है जब ये पार्क का निर्माण किया गया होगा तभी से ये हिरन है, घीच वो फोटो हुआ और आज भी भर जाए। ये रामार ग्रुप, सूरज भैया, कृष्णा भैया और हमारे सर प्रदीप विश्वकर्मा जी और डॉक्टर भैया, हमारे दुर्गेश भैया मेडिकल स्टोर देवरिया जिला के अंतर्गत सृजन चौराहे पर इनका स्टोर है, दुर्गेश विश्वकर्मा जी। देखिए सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, और हम लोग घूमने के लिए आए हैं देवरिया जिला से, और ये पार्क काफ़ी दिनों से हमें लग रहा है कि बंद है, इस पार्क में आवागमन बंद है कोरोना के वजह से, और दोस्तों कुछ भी है लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और इन लोगों को दोस्तों मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल में रखते हुए इन्हें करना चाहिए। देखिए यहाँ का मार्केट, ये जंगल बहुत अंदर है, लगभग हम लोग यहाँ से 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं, फिर भी इस जंगल में इंसानों की बस्ती है, अंदर रोड है, इस रोड में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये जंगल बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर और नेपाल के बॉर्डर तक जंगल है, फिर भी इसमें लोग आवागमन है, आगे चलकर जंगल इससे भी ज़्यादा घना हो गया है, जिधर आने जाने से सब कुछ वर्जित है, नहीं उधर आ सकते हैं ना जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हिरन से मुलाकात हो ही गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर आगे हम बढ़ते हैं, अभी फिर कुछ मिलता है तो आपको जरूर दिखाएंगे। सारे दोस्तों के साथ हम लोग आए हुए हैं, आइए दुर्गेश भैया, भाई लोग आप सभी लोग आइए, कमेटी इधर आइए, सतीश भाई सभी लोग आइए, और सभी लोग कैमरे में कैद करिए भाई, आए करिए सभी लोग आए दोस्तों, तो आप लोग भी हम लोग के साथ इंजॉय लेते रहिए, ऐसे ही आप लोगों को अभी और बहुत कुछ चीज़ें लॉकडाउन के वजह से सारी चीज़ बंद है, इसलिए दोस्तों हम लोग कोई भी चीज़ आप लोगों को दिखा नहीं पाए, सॉरी चल गई। दोस्तों ये पनियाला है, और लोग बता रहे हैं कि ये पनियाला है, हमारे भैया दुर्गेश भैया मेडिकल स्टोर में डॉक्टर साहब पनियाला ले रहे हैं, और 40 रुपया पाव बता रहे हैं, और जंगलों में ये फल मिलता है, बहुत ही अच्छा फल है, और देखते हैं आपको बहुत करीब से दिखाएंगे इस पनियाले को, आप लोग देखिए यही पनियाला है, और ये बहुत अच्छा फल लगता है, और आप लोगों को इसके बारे में कुछ कहना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक दोस्त, तब फिर हम लोग और कहीं चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो उसके बारे में जरूर बताएंगे, दिखाएंगे, आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों ये बंदर कुछ तलाश में है, देखिए हमको लगता है पानी मारा है, किसी भी चीज़ का ये तलाश कर रहा है, और आप लोगों को दिखाते हैं, लेकर कुछ भग गया,
दोस्तों हम लोग जंगल के पीछे बीच में आ गए हैं और आ रहे हैं बुढ़िया माता के मंदिर, यही गेट है। और आप लोग बहुत करीब से देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि श्री श्री बुढ़िया माई, श्री श्री बुढ़िया माता का मंदिर। देखिए दोस्तों, और हमारे कुछ साथी एंट्री कर रहे हैं उस बगल। देखिए जैसे कि सर जी और कैमरामैन जा रहे हैं, लोग हम भी चल रहे हैं उसी पार और आपको गुजराते हैं उस बगल चल के। आइए वीडियो के साथ बने रहे, और इस मंदिर के पास अंदर एंट्री मार रहे हैं। जय माता जी। देखिए जय माता। आइए कुछ जानवर दिखाई देते हैं, हम आपको उनसे कुछ मिलवाते हैं, अभी दिखाई नहीं दिए हैं ऐसा। मिला दोस्तों कुछ बंदर, देखिए काफ़ी छोटा साइज का बंदर है, ये कितना खूबसूरत है और काफ़ी खूबसूरत बंदर है। और देखिए किस तरह छुप रहा है, ये सबको अपने बच्चे से प्यार है। दोस्तों देखिए किस तरह अपने बच्चे को अपने पास रखी है और खिला रही है। हर माँ को हर अपने बेटे से प्यार होता है, और आप लोग भी देखिए। देखिए कुछ खा रही है, बार बार बच्चा छीन रहा है उससे, और ये भी खा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ साथी वेट कर रहे हैं, चलते हैं फिर मिलेंगे। कुछ आगे कोई जानवर मिलता है जरूर दिखलाएंगे, जरूर बतलाएंगे।